अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। मैंने सैलेड बनाया है। आज मैं अपने बच्चे को फुटबॉल पे लेके गई। मैं जैसे ही वापस आई, खाने का टाइम हो रहा था, देर वॉज नॉट मच टाइम। मैंने रात को चिकन बनाया था, मैंने बस वो जल्दी से निकाल लिया। लेकिन मुझे उसके साथ, जनरली जब मैं सैलेड साथ में डालती हूँ तो मैं प्याज टमाटर काट लेती हूँ, हम साथ में खा लेते हैं, मुझे वो खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी से घर में जितनी भी सब्जियाँ पड़ी हुई थी, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर देखिए किस तरह से काटा है, काटा भी जल्दी जल्दी में। मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि बंदा अपना फिर भी खाना इंटरेस्टिंग बना सकता है अगर टाइम इतना ना भी हो। टमाटर जल्दी से काटा, खीरा काटा, ये कैबेज भी है, बंद गोभी काटी थोड़ी सी, लेटस काटा, ऑलिव्स थे मेरे पास ग्रीन एंड ब्लैक, वो काटे, और क्या डाला है, हाँ खीरा है ये देखें। अच्छा बस वो जल्दी जल्दी से मिक्स कर लिया मैंने, और आई पुट लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल और लिटिल बिट ऑफ लेमन ऑन इट। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो भी कुछ डालना चाहें। ठीक है, बस वो डाल लिया, तो फिर बस मेरा ये होगा कि खाना अच्छा हो गया। थोड़ा सा चिकन डाल लिया, रोटी डाल ली, ये साथ में प्लेट में डाल लिया, तो इट वॉज़ लुकिंग नाइस और मज़ा भी आया खाने का, बजाय कि मैं टमाटर प्याज खाऊँ। तो जस्ट थिंक कि हाउ रोज़ाना सब्जियाँ खाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अब या तो सब्ज़ी के फॉर्म में या सालन के फॉर्म में तो बहुत अच्छा है, सालन के फॉर्म में आप रोज़ाना खा रहे हैं, लेकिन अगर सैलेड वाइज हम सोचते हैं तो कच्ची सब्जियाँ चबाना कभी पर मुश्किल लगता है। तो जस्ट थिंक ऑफ आइडिया। ये तो बस मैं वैसी जैसी ही मैं फुटबॉल से मैंने जल्दी जल्दी काटा और बस, तो आई एंजॉयड इट एक्चुअली। तो यू ऑल्सो थिंक ऑफ वेज हाउ यू कैन इंक्रीज योर वेजिटेबल इनटेक। अनु हेलो, अफशीन सलाम सलाम, आप आ जाएं अफशीन खाने के लिए। एंड अलिस्मत दुरानी, यस यू कॉट मी हेयर लाइव। एंड और कौन है, टेनी तसव्वुर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। नेहा, आई होप यू आर गुड, नेहा सिंह, इट्स हेल्थी एंड यम यम। चलो ठीक है, ओके आई एम ऑफ। मैंने कहा मैं वैसे ही बता दूं, मैं खा चुकी हूँ खाना, ये मैं भी संभाल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा ऑनलाइन आ जाती हूँ। लव यू गाइज, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज। अल्लाह हाफिज़।